नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टेलीविजन का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। देश के कई राज्यों में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अनेक भागों में अत्यधिक वर्षा से उत्पन्न स्थिति का आज जायजा लिया। उन्होंने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने भारत के अनेक हिस्सों में अत्यधिक वर्षा होने से उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने ट्वीट किया कि स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें प्रभावित लोगों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में विजिटर सम्मेलन 2023 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि नई शिक्षा नीति का मकसद भारत के ग्लोबल नॉलेज पावर बनाना है। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए शिक्षा की अहम भूमिका होगी। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे नॉलेज सेंटर्स को नॉलेज इकोनॉमी का सेंटर बनाना चाहिए। सम्मेलन शुरू होने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवाचार, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास श्रेणियों में विजिटर्स पुरस्कार 2021 प्रदान किए। व्यक्ति, समाज और देश के प्रगति में शिक्षा का महत्व सर्वोपरि है। ये एक सर्वमान्य सत्य है। अमृतकाल के संपन्न होने तक, यानी वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित करने के लक्ष्य को हासिल करने में उच्च शिक्षण संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगोलिया के दौरे से लौटने के बाद विशेष गर्मजोशी और आतिथ्य के लिए मंगोलिया की संसद के स्पीकर को धन्यवाद दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट किया कि मेरे मित्र मंगोलिया की संसद के अध्यक्ष जी जननस्तर को मुझे और प्रतिनिधिमंडल को प्रदान की गई असाधारण गर्मजोशी और आतिथ्य के लिए हार्दिक धन्यवाद। इस यात्रा ने हमारे ठोस सहयोग के 4D यानी कि धर्म, डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट पार्टनरशिप और डिजिटल डेवलपमेंट को और मजबूत किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के मंगोलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों की संसदों के बीच के परस्पर सहयोग को और मजबूत करने और विस्तार करने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को कैनेडा ओपन का खिताब जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य सेन ने बार बार अपनी प्रतिभा और निरंतरता साबित की। आपके भविष्य के टूर्नामेंट के लिए मेरी शुभकामनाएं, आप हमें गौरवान्वित करते रहें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को श्रावण मास के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट किया कि भगवान भोलेनाथ की कृपा सभी पर बनी रहे, जगत का कल्याण हो। और फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।